नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश और उनको प्रसन्न करने के लिए आप कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो रोज ही अर्पित करते हैं या अपने पूजा में आप शामिल जरूर करते हैं जब आप घर में आम दिनों में भी पूजा करते हैं जैसे कि दुर्वा लाल पुष्प लड्डू मोदक या गुड़ की डली लेकिन भोलेनाथ के जो पुत्र है ना उनकी कृपा कुछ पत्तों को अर्पित करके भी पाया जा सकता है आज हम एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे जो जीवन के हर परेशानियों से आपको बाहर निकालेगा चाहे वो स्वास्थ्य की हो धन की हो खुशियों की हो या कोई मनोरथ पूरी करने की हो क्योंकि भगवान गणेश को मंगल मूर्ति कहा जाता है यानी अच्छा करने वाले शुभ मंगल कार्य करवाने वाले बिना कोई विघ्न बाधा के कार्य पूरा करवाने वाले और गणेश जी की उपासना से हर तरह के विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है कैसी भी संकट क्यों ना हो अगर गणेश जी का नाम लेके आप किसी भी कार्य को शुरुआत करते हैं तो संकट आता ही नहीं है और अगर आ जाए तब क्या करें कौन सा उपाय करें आज हम ये बताएंगे। देखिए भगवान गणेश हमारे जीवन में समस्त जो तकलीफ़ है जो कठिनाइयां हैं उनको दूर तो करते ही हैं साथ ही अगर इनकी हल्दी से आप पूजा करते हैं कुछ उपाय करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में नकारात्मकता तो दूर होती ही है और सकारात्मक परिणाम मिलता है यानी हल्दी से अगर पूजा करते हैं या हरिद्रा गणपति की पूजा करते हैं तो जीवन में तकलीफ आती ही नहीं है गणेश जी को प्रथम पूजनीय देवता माना जाता है और प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले इनको इनका स्मरण करना इन्हें पूजा देना बहुत शुभ माना जाता है अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की तस्वीर है तो यकीन मानिए घर में बुरी शक्तियाँ प्रवेश ही नहीं कर सकती लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की ओर से गणेश जी की तस्वीर भूल कर भी ना बनाएं ना ही लगाएं बहुत लोग क्या करते हैं बाहर से टाइल्स बड़ा बड़ा लगा लेते हैं और आपको पता होना चाहिए कि गणेश जी के पीठ में दरिद्रता का वास होता है तो गणेश जी की पीठ आ गई आपके घर के अंदर की तरफ यानी घर में दरिद्रता और दूसरी बात गणेश जी तो कोई दरबार है नहीं जो आपने सामने में लगा दिया इसलिए गणेश जी की तस्वीर अपने घर में मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर अंदर की ओर से लगाएं ताकि उनका पीठ बाहर की ओर रहे ध्यान रखिए और गणेश जी के जो आप तस्वीर लगाएंगे मुख्य दरवाजे में अंदर की ओर से ठीक ऊपर बीचों बीच तीन मोर पंख याद रखिए तीन की संख्या में जरूर लगाइएगा ऐसा करने से जीवन में कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती बड़ा सब से बड़ा तकलीफ से भी आप बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे और साथ ही अगर ये इस तरह से आप लगाते हैं ना गणेश जी को तो आप देखिएगा एक से सवा महीने में ही आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी करके देखें और गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि हमेशा ही बना रहता है साथ ही ऐसे लोगों का सम्मान मान भी जीवन में बढ़ता चला जाता है गणेश जी को अब हम बात करेंगे हल्दी देखिए हल्दी उन्हें अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है खासकर अगर गणेश जी को आप हल्दी से तिलक करते हैं आप पुरुष हैं तो कीजिए महिलाएं गणेश जी को तिलक नहीं करेंगी तो पुरुष अगर आपके घर के जो भी हैं लड़का वो हल्दी से तिलक करते हैं अगर नित्य दिन गणेश जी का कम से कम बुधवार के दिन तो करें ऐसा करने से शुभ कृपा भी मिलती है और जीवन में कोई कष्ट नहीं आता बड़ा से बड़ा संकट भी टल जाता है करेंगे कैसे हल्दी पाउडर वाला थोड़ा सा पूजा स्थान पे रखिए हल्दी से गणेश जी को तिलक कीजिए अब अब जो आपके उंगली में लगा रह गया खुद को तिलक कर लें हल्दी की गांठ कम से कम दो या पांच गांठ अगर आप पीले कपड़े में बांधकर कर गणेश जी को अर्पित करते हैं किसी भी बुधवार के दिन कम से कम एक ही बुधवार के दिन कीजिए इसके फल ही बहुत निराले मिलते हैं आपको यानी ये वाला जो हल्दी है ये सिद्ध हो जाता है उन्हें गणेश जी के पास रहने दें या फिर धन स्थान पर उठा के रख लें धन की कभी कमी नहीं होगी चाहे वो संतान की हो संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है शिक्षा अच्छी नहीं हो पा रही है या फिर भाग्य के लिए तो गणपति की उपासना से कुंडली के अशुभ योग भी नष्ट हो जाते हैं अशुभ योग यानी अगर कुंडली में कोई भी दुरयोग है चाहे वो किसी भी ग्रह के कारण है लेकिन सिर्फ अगर आप गणेश जी की उपासना करते हैं तो आपके कुंडली के सारे दुर्योग समाप्त हो जाते हैं देखिए गणेश जी को आज जो हम पत्ते की बात करेंगे हर पत्ते का अलग रंग होता है अलग खुशबू होता है और इसके अलग रंग और अलग गंध अलग ग्रहों से जुड़े होते हैं सिर्फ रंग पे मत जाइए रंग तो ग्रीन में ही सारे पत्ते होते हैं लेकिन इसके जो खुशबू है वो ग्रह से जुड़े होते हैं और जब आप उन ग्रहों के पत्ते अर्पित कर देते हैं गणेश जी को तब आपके वो ग्रह भी मजबूत होने लगते हैं उस ग्रह के जो दुष्प्रभाव है वो समाप्त होने लगता है तो खास तरीके से गणपति को अलग अलग पत्ते अर्पित करने से मंत्रों के साथ आपकी मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तो गणेश जी का महोत्सव चला आ रहा है वैसे आम दिनों में सिर्फ बुधवार के दिन ये प्रयोग करें और गणेश जी का जो ये भी अनंत चतुर्दशी तक चलेगा महोत्सव जन्मोत्सव का जो उत्सव हम मना रहे हैं इस समय में आप किसी भी दिन कर सकते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन या फिर अनंत चतुर्दशी के दिन तक या फिर किसी भी बुधवार को तो बुधवार या चतुर्थी को गणेश जी को ये पत्ते अर्पित करें सुबह स्नान वगैरह करके गणपति के सामने का दिया जलाएं अब उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है मोदक तो उनको मोदक का भोग जरूर लगाएं। और गणेश जी के सामने जब आप दिया जला कर बैठेंगे तब आप जो पत्ते हैं वो आपके पत्ते के अलग अलग मनोरथ को पूरे करेंगे लेकिन उसके पहले एक बात बता दें आप एक छोटा सा प्रयोग कर लीजिएगा एक आग का पत्ता आग तो पता होगा आकड़े का पत्ता जिसको कहते हैं ले आइए अब इसको धोकर अच्छे से साफ़ कर ले देखिए आंकड़े के जड़ में गणेश जी का निवास होता है यानी कि आंकड़े का जब पौधा दस बारह साल पुराना हो जाता है तो नीचे में गणेश जी की आकृति बनती है तो इसीलिए आंकड़े का पौधा का पत्ते का बहुत महत्व है एक पत्ता ले आए उस पर सिंदूर एक सिक्का रख कर गणेश जी को भेंट कर दें ये उपाय आप घर में भी कर सकते हैं किसी भी दिन और गणेश जी की जितनी ही पसंदीदिदा वस्तु है आप किसी भी दिन उन्हें अर्पित कर दीजिएगा वैसे सर्वोत्तम होता है बुधवार या चतुर्थी तिथि या फिर गणेश महोत्सव के दस के दस दिनों में किसी भी दिन जैसे हल्दी है अक्षत है सुपारी सिक्का है ये सभी चीजें तो चलिए जानते हैं आप कौन से मनोकामना के लिए कौन सा पत्ता अर्पित करेंगे देखिए उच्च पद की प्राप्ति यानी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं प्रमोशन चाहते हैं तो भंगरैया का पत्ता जिसको भृंगराज भी कहते हैं छोटे छोटे सफेद सब पुष्प लगता है उसमें आपने देखा होगा आपके रोड साइड कहीं मिल जाएगा अर्पित करना है और बोलिएगा गनाधिशाय नम लेकिन पत्ता कितना अर्पित करेंगे कम से कम नौ पत्ता या एक सौ आठ पत्ता और गनाधिशाय नम आपके मर्जी पर जितने मन उतने बार पढ़ें कम से कम पाँच बार तो जरूर या जितने बार आपने पत्ते अर्पित किए उतने बार संतान प्राप्ति के लिए भी या तो नौ पत्ते या फिर एक सौ आठ बेलपत्र के पत्ते अर्पित करें और बोलिए उमा पुत्राए हर एक पत्ता अर्पित करने के समय आपको ये मंत्र बोलना है उ, उमा पुत्राय नमः अब जैसे स्वास्थ्य स्वास्थ्य की परेशानी है बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं तब एक छोटा सा काम करें बेर का प, पेड़ आपके आसपास होगा कहीं भी रोड साइड आपको मिल जाएगा बेर का पेड़ वहाँ से पत्ते तोड़ के ले आइए नौ या एक सौ आठ याद रखिए हर एक चीज़ में नौ या एक सौ आठ यूज करना है और बेर का जो पत्ता है उसको लम्बोदराय नमह बोल कर एक एक करके अर्पित करते जाए या तो नौ या फिर एक सौ आठ बीच का कोई और संख्या नहीं याद रखिएगा नौ ही ले लें और फिर अगर आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आती है कोई भी कार्य नहीं बन रहा है विघ्न है बहुत बाधाएं जैसे कि ना नौकरी लग रही है न घर बन रहा है ना अपना मकान हो रहा है कुछ भी नहीं हो पा रहा है न विवाह शादी हो पा रहा है तब सेम का पत्ता वक्रतुण्डाए नमह कहते हुए कम से कम नौ पत्ता अर्पित करें वक्र तुंडाए नमह करके अर्पित करें मान सम्मान यश की प्राप्ति के लिए तेज पत्ता अर्पित करें यहाँ भी वही संख्या है नौ या एक सौ आठ बोलिए चतुर्होत्रे नम चतुर्होत्रे नमः दोनों तो पत्ता कम से कम ले लें और बोलते हुए अर्पित कर दें नौकरी के लिए आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले प्राइवेट नौकरी भी चलेगा तो आप कनेर का पुष्प होता है ना उसी का पत्ता ले आए कम से कम नौ या एक सौ आठ पत्ता ले आए बिकटाए नमः एक एक करके बोलते जाएं एक एक करके पत्ता अर्पित करते जाएँ बिकटाए नमः तो इस तरह से आप अर्पित करें अगर आप व्यवसायी हैं आप चाहते हैं आपका व्यवसाय खूब अच्छा चले केतकी का पत्ता ले आइए और केतकी का पत्ता भी आपको नौ ही लाना है या एक सौ आठ ले आएंगे और एक एक करके पत्ता अर्पित करते जाइएगा गणपति बप्पा को और बोलिएगा सिद्धि विनायकाय नमः सिद्धि विनायकाय नमः अगर धन की मुश्किल ज़्यादा परेशान करे बहुत ज़्यादा अब परेशान हैं क्या करेंगे धन आ ही नहीं रहा आता भी है तो बसता नहीं है आप चाहते हैं कि गणपति के आशीर्वाद से आपका घर धन धाने से भरा रहे तब आंकड़े का पत्ता ले आए आँख जिसको कह, जो भोला बाबा को बहुत पसंद है शिव जी को तो आंकड़े का एक पत्ता ले आए और एक नहीं नौ लाना है और लाकर अच्छे से जो भी पत्ता आप अर्पित करेंगे धोकर साफ करके कीजिएगा एक एक करके अर्पित करें और बोलिए बिना एकाए नमह बिना नमः बोलते हुए नौ पत्ता अर्पित करते हैं या एक सौ आठ पत्ता अब कई बार क्या होता है आजकल के ज़माने में भागदौड़ में लोगों को हृदय रोग बहुत हो गया है डायबिटीज़ हृदय रोग या फिर बहुत ही गंभीर समस्या तो ऐसे में अर्जुन अर्जुन का पत्ता ले आइए नौ और बोलिए एक एक करके अर्पित करना है और बोलिए कपिलाय नमः कपिलाय नमः एक एक करके अर्पित करते जाना है और बोलना है नौ या फिर एक सौ आठ अब अगर शनिदेव पीड़ा दे रहे हैं सनी की साढ़े साथ ही ढैया है कुंडली में अच्छे नहीं हैं तब तो क्या करेंगे सभी का पत्ता ले आए और सुमुखाए नमह बोलकर नौ बार नौ पत्ते अर्पित करें सुमुखाए नमः इस तरह से अर्पित करें और इसके बाद क्या करेंगे देखिए मान लेते हैं आज आपने अर्पित किया तो कल इन पत्तों को उठाकर कहीं पवित्र मिट्टी वगैरह में दबाते हैं लेकिन अगर आपको जॉब नहीं लग रही व्यापार में तरक्की नहीं हो रहा लंबे समय से आप मुश्किलों में हैं कोई भी मुश्किल हो कैसी भी हो आर्थिक शारीरिक मानसिक तब आप एक छोटा सा काम करें जावित्री एक प्रकार का मसाला है उसके फूल ले आएँ और नित्य दिन गणेश जी को अर्पित करें और भोग के रूप में प्रसाद के रूप में उनको अर्पित करना है जावित्री पुष्प है उसका टुकड़ा टुकड़ा कर लें और एक चुटकी अर्पित करें और रोज उसको प्रसाद के रूप में आप खा लें धन्यवाद हम फिर मिलेंगे